जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक ये है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल आ रहा है कि सर मैंने ALP का फॉर्म भर दिया है तो एग्ज़ाम देने के लिए हमें कहाँ एग्ज़ाम पड़ेगा, क्योंकि जब फॉर्म भरा तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर तो ऑप्शन ही नहीं आया, तो हमें एग्ज़ाम कहाँ देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ वही बात करूँगा कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा और किसके लिए क्या सुविधा रहेगी उस एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ALP 2024 का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है कि हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है ALP का तो कहाँ होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो वही होगा जिस जोन में आपने फॉर्म भर दिया है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखता हूँ मैं ALP का एग्ज़ाम जिस जोन में अप्लाई किया है, यह है वहां एग्जाम सेंटर होगा। ठीक है, तो आपने जिस जोन में फॉर्म भरा है वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए कि अगर आपने मुंबई का आपने जोन चुना है, यानी RRB मुंबई आपने चुना है, और RRB मुंबई में जोन भले ही अलग अलग है, सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे ये दो जोन है, तो कोई मतलब बात नहीं है। लेकिन आपको अगर आपने मुंबई भरा है तो चांसेस पूरा है कि आपको मुंबई में ही मिलेगी, या फिर आपको महाराष्ट्र का भी कोई शहर मिल सकता है। जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको मुंबई में मैनेज करना अगर थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोशिश ये किया जाता है कि मुंबई के आसपास शहर जैसे पुणे, नागपुर, सोलापुर या इनके जो डिवीज़न हैं इसी डिवीज़न में ही एग्ज़ाम आपके करवाए जाएंगे। क्योंकि 2018 में इतना ज़्यादा वैकेंसी था, वो वैकेंसी आपका था 64,371, ये वैकेंसी था। अब इस वैकेंसी में लाखों फॉर्म अगर जा रहे हैं तो बच्चों को मुश्किल है मैनेज करना, उतने स्कूल चाहिए, उतने कंप्यूटर लैब चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ CBT 1 है, तो कंप्यूटर पे होगा, CBT है। तो ठीक है, तो इस समय ये जो एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे इनका ये सेंटर पड़ा था, कहाँ, मुंबई में भी हुआ था, नागपुर में भी हुआ था, इवन आपका सोलापुर में भी, और अहमदनगर का एक ज़िला है वहाँ भी एग्ज़ाम हुआ था। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर अगर आपने मुंबई में भरा है तो आपका एग्ज़ाम सेंटर मुंबई में या किसी उसके आसपास के किसी शहर में होगा। मान लीजिए कि आपने भुवनेश्वर एग्ज़ाम जोन चुना है तो आपको उड़ीसा के किसी शहर में आपको जाना पड़ेगा, चांसेस पूरा है कि आपको भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, या फिर आप उड़ीसा के किसी शहर में आप एग्ज़ाम देंगे। और ये एग्ज़ाम आपका कहाँ कौन कौन सा होगा मैं बता दूँ, CBT 1, ठीक है, एग्ज़ाम, ठीक है, CBT 1, CBT 2, और दूसरा ये आपका CBAT यानी साइको टेस्ट, और आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतनी सारी चीज़ें आपको जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, मान लीजिए आपने बेंगलोर भी भरा है, तो वहाँ आपको बार बार जाना पड़ेगा। अच्छा, आपका एग्ज़ाम सेंटर कैसे पता चलेगा? तो जब आपका परीक्षा हमें पता है कि रेलवे के कैलेंडर के अनुसार जून से अगस्त के बीच में एग्ज़ाम सेंटर में पढ़ने वाले हैं,
लेकिन उसकी जो फिक्स डेट है अभी आई नहीं है, तो रेलवे जब फिक्स डेट डिसाइड करेगी तो आपका जो ईमेल है, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस पर एक मैसेज भी आएगा। उस मैसेज में ये लिखा रहेगा कि आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लो और आप जिस आरआरबी से फॉर्म भर दिया है तो उस आरआरबी पर जा करके आप अपना फॉर्म जो ई कॉल लेटर है यानी इंटरनेट से निकाला हुआ जो कॉल लेटर है वो ई कॉल लेटर होता है, तो जब आप ई कॉल लेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपके स्कूल के नाम के साथ में, आपका शहर के नाम के साथ में पूरा एड्रेस वहाँ पे मेंशन रहेगा। उसको आपको डाउनलोड करना है और आप CBT 1 के लिए भी डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं जाना पड़ेगा, CBT 2 के लिए भी, CBAT के लिए और DB के लिए, ठीक है। तो इतने के लिए आपको खुद से अपना जो ई कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे और उसमें आपका एग्जाम सेंटर परीक्षा का जो केंद्र है वो उसमें मेंशन रहेगा। अब आपको उससे उस एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको अपना टिकट लगा करके उस एग्जाम सेंटर तक जाना होगा। सिर्फ SC ST जो हमारे बच्चे हैं इनके लिए सेकेंड क्लास स्लीपर, मैं बता देता हूं, सेकेंड क्लास स्लीपर, स्लीपर का पास दिया जाता है, ठीक है। और ये पास से उसको सीट नहीं मिल जाती है, बशर्ते हाँ जब आपके पास, जब आप ई कॉल लेटर डाउनलोड करोगे तो आपको एक ई पास दिया जाएगा और उस ई पास में आपको ये जो है ये पास भी रहेगा। तो ये पास कहाँ से रहेगा, आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन से जिस जोन में आपको एग्ज़ाम देना जाना है वहाँ तक का पास रहेगा। मान लीजिए कोई बच्चा जौनपुर से है, ठीक है, तो अगर वो जौनपुर से है या मान लीजिए वो प्रतापगढ़ से है, तो वो जो जौनपुर से मुंबई अगर उसने फॉर्म भरा है, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर वो मुंबई से प्रतापगढ़ से मुंबई उसको जाना है, मान लीजिए प्रतापगढ़ से भर दिया, तो ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, उसमें उसको पास मिल जाएगा, प्रतापगढ़ से मुंबई का पास मिल जाता है और उस पर उसको जा करके रिजर्वेशन सेंटर पे उसको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। जब रिजर्वेशन कर लेना तो आपका एक पास मिल जाएगा और आपकी एक सीट बुक हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप याद रखना कि यात्रा के दौरान आप अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड अपने साथ में रखना। रेलवे ने TT को ये अधिकार दिया है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और वो टिकट वो चेक कर सकता है, तो इतनी बातें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें OBC और आपका जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक्सर्विसमैन फीमेल नॉट एलिजिबल फॉर रेलवे पास, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जनरल OBC एक्स सर्विसमैन EWS फीमेल इनको पास जो है नहीं मिलता है। ये जो पास रहेगा ये सिर्फ हमारे SC ST कैंडिडेट को मिलेगा, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो ये बातें आपको इतनी सी समझ में आ गई होगी। तो अब आपको पास कब से मिलेगा, जब आप DB आपका हो जाएगा, जैसे ही आपका DB हो जाएगा आपका मेडिकल एग्ज़ाम वहीं पे हो जाएगा, तो मेडिकल एग्ज़ाम के बाद आपको जब ट्रेनिंग कॉलेज में भेजा जाएगा तब से आपको रेलवे का जो पास है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये रहा मेरा इस पर वीडियो की। अगर आपने फॉर्म भरा है तो हमें एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, कहाँ जाना होगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरीके से आपके जानकारियाँ देता रहूँगा। मैं मिलता हूँ अपने किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। आप लोगों का बहुत सारा सवाल इस क्वेश्चंस इस पे आ रहा था कि कैसे होगा, कहाँ जाना होगा, तो मैं सोचा कि अभी ड्यूटी में जा ही रहा था तो चलो तैयार है तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।